हैप्पी बर्थडे डियर दीपर। जोर लगा, जोर लगा। देखो लगता खुल ही नहीं रहा। वाओ भाई मर गया। थोड़ा खुले में क्या था? ठीक है ठीक है, थोड़ा खुला है। ना इधर का खुल गया, इसी छोड़ दिया इसको। हेलो गाइज, मैं राकेश कुमार सभी को दीपावली के हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज दिन है संडे और आज है स्पेशल डे, क्योंकि आज हमारे फेवरेट सर दीपक सर का बर्थडे है, तो सेलिब्रेट करने जा रहे हैं कोचिंग में। तो बने रहिएगा वीडियो के साथ में, मैं पूरी वीडियो में दिखाता रहूंगा। मेरा दोस्त भी आ चुका है। हाय दोस्त। चंदन भी आ चुका है पान वन के। मैं भी तैयार हो चुका हूँ नहा के, कपड़ा पहन के। आप लोग वीडियो पे बने रहिए, अभी लाइव हम लोग दिखाते हैं आगे प्रोसेस के। ठीक बाय। गाइस देख सकते हो शाहनवाज, फेस दिखा दो थोड़ा। तो हेलो गाइज, तो हम लोग आ चुके हैं सभी दोस्त, देख सकते हो एक लगा हुआ है उधर, देख सकते हो अपने बाबू सोना के साथ। तो हम लोग आ गए हैं, देख सकते हैं। क्या चाहते हो? नंबर थ्री, समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो। नंबर टू, जब बेइज्जती। नंबर वन, तो हम लोग आ गए हैं, देख सकते हैं। अभी तक तो सर का एंट्री नहीं हुआ है, वेटिंग में है। और चलिए दिखाते हैं आपको वीडियो कैसा है, सजावट क्या है, डेकोरेट। बने रहिएगा वीडियो के साथ में। क्या चीज चेंज? पैसा होगा? अच्छा एक मिनट में दे रहे हैं। तक के 10 सबसे वायरल मीम। नंबर 10 ऐसे तो नहीं होता है। नंबर होगा? अच्छा एक मिनट में दे रहे। ये देखिए नीमा हमारे क्लास की चाहती देख सकते हो। लाइटिंग ऑन कर दो, लाइटिंग। जोर लगा, जोर लगा। इन लोग से फूल ही नहीं रहा। हाँ ठीक है, ज्यादा बड़ा भी नहीं करना। कैमरा मैन फोकस करो, सभी लड़कियों को, केक को और हमारे दोस्तों को। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। वीडियो में मेरे लास्ट तक थोड़ा थोड़ा सर को खिलाते जाइए, सब सर थोड़ा थोड़ा आप खिलाएंगे। राकेश
जा भाई जाएंगे करी सब। मेरे को जो भी खिलाएंगे थोड़ा खिलाएंगे केक अच्छा था। नहीं बड़ा पीस गाल में लगा दे मेरे कौन सा ये इधर पोज दीजिए अब सर का तो आना चाहिए। हम बुक करिए नहीं फोटो बैठे से लेकिन रमत जी सर यस सर। तो ऐसा है कि जिसे देता है हर व्यक्ति सम्मान, जो करता है वीरों का निर्माण, जो बनाता है इंसान को इंसान, ऐसे गुरु को हम करते हैं प्रणाम। सबसे पहली बात तो ये कि मैं कोई गुरु नहीं हूँ, है ना। गुरु एक तो बहुत बड़ा शब्द होता है। मैं अभी तक ये आपको वही होते हैं जिसमें आपको मजा आता है ना। मुझे अभी तक मजा आता है पढ़ने में, है ना। तो मैं अभी तक क्या विद्यार्थी हूँ और हमेशा क्या विद्यार्थी ही हमारे लिए तो गुरु जी है ना सर। ये आप लोगों की बड़प्पन है कि आप लोग मानते हैं ऐसा, है ना। तो हाँ विद्यार्थी हूँ, पढ़ने पढ़ाने में मजा आता है, वही काम कर रहा हूँ। तो I'm still a student. मैं कोई गुरु नहीं हूँ, है ना। तो एक्चुअली आज यहाँ आना तो मैं भूल ही गया था, है ना। सर कितना दिन हो गए कहा था ना, मैं भूल गया था, ठीक है। फिर मुझे आज सर दिवाली भी है, संडे भी है,
एकदम से माइंड में नहीं आया, लेकिन फिर आया कि नहीं सर, बोला था कि जाना है, और एक दो बच्चों ने कॉल भी किया, ठीक है, तो फिर मुझे आना पड़ा। और जहाँ तक आने की बात है, आप बुलाएं हम ना ऐसे तो नहीं आ सकता। चलिए बोल दे रहा हूँ, अभी कॉल कर रहे हैं सर, रुकिएगा। हेलो हेलो, किसको कॉल किया सर? गुड मॉर्निंग सर, सर आपको हम बहुत पहले कॉल किए थे, आप अभी रिप्लाई दे रहे हैं। आप आए क्यों नहीं? हाँ तो अभी आइए। नहीं अभी तक नहीं हुआ, आइए। अरे नहीं आप आइए ना पहले, आप आइएगा स्टार्ट कर देंगे, आइए आइए, वेट कर रहे हैं। बुलाना क्या है? मेरे से मिलना है, मैं मिल ही लूंगा। हाँ तो क्या था, कुछ बोलने वाले? समझ में आया कि नहीं? हाँ कि ना जी, आने पे कुछ बोलने वाला था, है ना? हाँ। तो आप बुलाएं हम ना, ऐसे तो हालात नहीं, और एक जरा सा दिल टूटा है, और तो कोई बात नहीं, है ना? दो लाइन, चार लाइन कम से कम, चार ही लाइन ऐड कर दूंगा, है ना? मैं तो ऐड कर सकता हूँ। अच्छा, तो क्योंकि एक साल निकल गया रहना, तो इसी पे कुछ बोल दे रहा हूँ। मैं दे रहा था सहारे तो एक हजूम में था, इसमें कुछ उर्दू के वर्ड आएंगे, है ना? Yes, बाद में उसको मैं वर्णन कर दूंगा, समझ जाएंगे। बीच में दे रहा था शायरी में क्या होता है, अदब होता है, फिर आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है? तो ऐसा है कि मैं दे रहा था सहारे तो एक हजूम में था, जो गिर पड़ा तो सभी रास्ता बदलने लगे। आग हो तो जलने में देर कितनी लगती है, बर्फ को पिघलने में देर कितनी लगती है, चाहे कोई सदियों से हम सफर हो, रास्ता बदलने में देर कितनी लगती है, ये तो वक्त के बस में है कि कितनी मोहलत दे, वरना वक्त ढलने में देर कितनी लगती है। वक्त ढल गया है ना? हाँ सर, साल गुजर भी गया, ठीक है। तो और इसके बाद आज दीपावली है, आप सबको दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और ये त्योहार है, बड़ा त्योहार है ना सर? आप कई लोग घर के बाहर है, घर के बाहर है तो कुछ उद्देश्य के लिए है, प्रयोजन के लिए है, है ना? तो मेरी शुभकामनाएं हैं, आप उसमें सफल हो सर। दिवाली के बारे में कुछ दो शब्द बोल दीजिए। दिवाली के बारे में तो कह दिया, क्या कहना है दिवाली के बारे में? जो आप पॉल्यूशन ना फैलाए, ये तो मैं हर बार कहता हूँ, चाहे होली हो या दिवाली हो, रहे ना? क्योंकि देखिये हम लोग जो काम करते हैं ना, वो बड़ा काम है, दिखता छोटा है ना, इसको हम लोग कहते हैं राष्ट्र निर्माण। बात आ रही समझ में ना, ये कोई छोटी चीज नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, इस देश का सबसे बेहतरीन काम करते हैं, लेकिन उसकी चर्चा सबसे कम होती है। उदाहरण के लिए हम लोग क्या बनाते हैं, देश का जवान आर्मी बनाते हैं ना, ठीक है? इस देश में अगर सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसी का है तो किसका है? सेनाओं का, है ना? लेकिन उसकी चर्चा क्या होती है? कम होती है, ठीक है? तो कहने का मतलब हम लोग जो काम करते हैं वो सबसे क्या है, बेहतरीन काम है। लेकिन हाँ, हम लोग साइलेंटली करते हैं, गंभीर होकर करते हैं, और इसी में क्या है, हम लोगों को मजा आता है। आज हम लोग दिवाली यहाँ पे मना रहे ना, हमने ही कितने बच्चों को आर्मी बनाया, वही आज क्या कर रहे होंगे, हम लोग को सिक्योरिटी दे रहे हैं, वहाँ पे वो खड़े हैं तब तो हम मना पा रहे हैं। कहने का मतलब है ये हमारा सौभाग्य है कि मैं ये काम करता हूँ। और एक तरफ से देखिए, बचपन में जो आप चाहते हैं, मैं आप सबको देखता हूँ तो मुझे आईना दिखाई देता है, आईना का मतलब, ठीक है, मुझे अपना चेहरा दिखाई देता है। इस मतलब बचपन में मैं भी एनडीए में जाना चाहता था, ठीक है, एनडीए में मैं भी छट के आया हूँ, ये कई बच्चे पुराने बच्चे हैं उनको पता है, ठीक है ना? तो कहने का मतलब उसके बाद फिर यूपीएससी का क्रेज चढ़ा, बाद में ऐसे होता है ना, शुरू में आप जो करना चाहते नहीं होता, तब बाद में आता है कब ये करूंगा, ठीक है? तो कहने का मतलब शुरू में यही था, इसलिए अभी जो कर पा रहा हूँ इसका मतलब लगता है कि जो नहीं कर पाया वो कर पा रहा हूँ, ठीक है। चलिए धन्यवाद, थैंक यू सर। कुछ बोल दीजिए सर, रोशन सर। एक गाड़ी आपके तरफ से भी सर, शादी का माहौल बना हुआ है, ऐसे बोले देखे किसका नाम है, किसका नाम है सामने वाला, अगर
तो हमको रुको 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 भैया इधर से तो हाँ तो हमको भी तो भैया इधर से नहीं नहीं अच्छा इधर से हाँ इधर से भी दीजिए थैंक यू थोड़ा सा थोड़ा सा लेना ऊपर थोड़ा सा थोड़ा सा